वेल हेलो माय डियर फैमिली मेंबर्स, आपके जो राहुल भोज है ये आपको व्लॉग्स बना के दिखाता है, जहां पर मैं आपको बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के घर की जर्नी कराता हूं। पास में मैंने सबसे पहले अपने जो हैं खिलाड़ी कुमार, उनका व्लॉग दिखाया, फिर उसके बाद मैंने टाइगर श्रॉफ का घर का आपको व्यू दिखाया, और उसके बाद मैंने आपको अजय देवगन सर का घर दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी को आगे जोड़ते हैं, तो जॉन अब्राहम सर के घर की जर्नी कराता हूं आप लोगों को। अच्छा, यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जॉन अब्राहम नहीं, इनका असली नाम है फरहान ईरानी। तो फरहान ईरानी उर्फ जॉन अब्राहम जी के घर की जर्नी कराएगा आपका ये फिल्मी आरा राहुल भोज। चलिए मेरे साथ। तो चलिए, अभी तो मैं ऑटो में हूँ, स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और पहुँचूंगा बैंड्रा। जॉन अब्राहम ने मीडिया में अपने कदम जमाने से पहले MBA किया है गाइस, तो MBA के दौरान वो जो अपने क्लासेस के लिए जाते थे वो भी लोकल ट्रेन में ही सफ़र करके जाते थे। माय डियर फैमिली मेंबर्स, पीछे मेरा है ये जो आप देखेंगे बैंड्रा स्टेशन। बैंड्रा स्टेशन पहुंच चुका है आपका फिल्मी आरा, यहाँ से सीधा ऑटो करूँगा और जॉन अब्राहम जी के घर पे। दोस्तों, बैंड्रा स्टेशन जो है बहुत पुराना है और उसको देखना एक अपने आप में अलग फीलिंग है। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ बैंड्रा स्टेशन के। अमेजिंग गाइस, राइट? कितना ब्यूटीफुल व्यू है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे, पुरानी बिल्डिंग है, एकदम रेनोवेशन चाहिए इसको, सीरियसली चाहिए। और ये बगल में आप मस्जिद भी देख सकते हैं। ऑटो की भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अभी यही ऑटो पकड़ूंगा मैं और सीधा निकल जाऊंगा बैंड स्टैंड। बड़ी मिन्नतों के बाद दोस्तों एक ऐसा ऑटो मिला मुझे जो कि बोल रहा था कि मीटर से जाऊंगा। अदरवाइज़ आप बता दूं मैं आपको कि अगर आप बैंड्रा स्टेशन से बैंड स्टैंड के लिए जाते हैं तो ऑटो वाले अपनी मनमानी रकम जो है वो वसूलते हैं, बोलते हैं इतना रुपये उतना रुपये उतना रुपये। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छे भैया मिले, इन भैया ने मुझसे बोला कि मैंने इनसे बोला कि चलो हम तो इससे जाएंगे, मीटर से जाएंगे, तो भैया ने बोला कि हाँ चलिए हम मीटर से ही जाएंगे। आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं, जॉन अब्राहम जहाँ रहते हैं बेसिकली उनके जो पड़ोसी हैं वो हैं टाइगर श्रॉफ, नंबर वन। नंबर टू उनके जो पड़ोसी हैं वो हैं हमारे भाईजान सलमान खान, और उनके ही घर के बगल में ताज लैंड्स एंड है, बहुत बड़ा होटल है, काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें होती हैं, और शाहरुख खान का मन्नत भी दोस्तों जॉन अब्राहम जी के घर के बगल में है। वॉक करते करते जा रहा हूँ जॉन अब्राहम जी के घर पे, लेकिन याद है आपको एक बिल्डिंग मैं पहले दिखा चुका हूँ, ये बिल्डिंग है वास्तु बिल्डिंग, जहाँ पर रहते हैं हमारे टाइगर भैया। मैंने क्या किया था कि महबूब स्टूडियो उतरा था। बेसिकली अगर आप मुंबई में नए हैं तो बैंड्रा जब आप स्टेशन पहुंचते हैं तो उनको बोलिएगा कि महबूब स्टूडियो कहाँ है। महबूब स्टूडियो से वॉकिंग डिस्टेंस पर है जॉन अब्राहम जी का घर, और टाइगर श्रॉफ का घर उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे है। महबूब स्टूडियो से चल के जाने के बाद, जहाँ पर मैंने बिस्किट भी खाया, आपसे इंटरेस्टिंग बातचीत भी की, तो फाइनली मैं सी ग्लिम्स पहुँच चुका हूँ दोस्तों, जो कि जॉन अब्राहम जी का घर है। वो देखिए, ठीक मेरे सर के ऊपर सी ग्लिम्स लिखा हुआ है, ये एंट्री है, यहाँ पर गार्ड भैया बैठते हैं। क्या हुआ, मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने ये गार्ड भैया की चौकी देख रहे हैं ना, मैंने उनसे पूछा कि अरे भैया ये जॉन अब्राहम सर यहीं रहते हैं क्या, तो बोल रहे हाँ भैया जॉन अब्राहम यहीं रहते हैं। मैंने पूछा सलाम वलाम करते हो आप, अरे सर डेली करते हैं, जब वो आते हैं जब वो जाते हैं हमेशा हम करते हैं। जब मैं इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था जॉन अब्राहम जी का घर कहाँ है वगैरह वगैरह, तो ऐसे में दोस्तों मुझे कुछ बातें पता चलती हैं। जॉन अब्राहम के भाई हैं एलन अब्राहम, उन्होंने घर का इंटीरियर डिज़ाइन किया है। बेसिकली ये एक पेंट हाउस है जहाँ पर एक फ्लोर है, फिर उसके ठीक ऊपर जाकर बेडरूम है जहाँ पर उनके वार्डरोब्स भी हैं, और उससे अटैच एक बैल्कनी है। मुंबई में बैल्कनी होना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, एक्चुअली बैल्कनी नहीं, खुला टेरेस होना बहुत बड़ी बात होती है। तो बैल्कनी है और उसके ऊपर ओपन टेरेस है जहाँ पर बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यूजुअली सेलिब्रिटीज़ के घर को हम इमेजिन करते हैं कि वो चकाचौंध से भरे होते हैं, उनमें ग्लिटरी होता है, बहुत फैशन होता है, बहुत ज़्यादा अलग ही कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है,
लेकिन जॉन अब्राहम जी को इस तरीके की चकाचौंध ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ज़्यादा पार्टी पर्सन भी नहीं है। जॉन अब्राहम जो हैं अपने घर पे सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, उनका जो घर है वो मॉडर्न और हाईटेक लगता है। जॉन अब्राहम जी के घर का जब इंटीरियर बन रहा था गाइस, आर्किटेक्चर जब मैप रखा गया था, तो सबसे पहले उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था वो कुछ अलग था। अब जो डिज़ाइन है वो एकदम अलग है। चलिए आपको अंदर की बातें बताता हूँ मैं। उनके घर में ज़्यादातर वुडन टेबल है, वुडन स्टेयरकेस है, और वुड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है क्योंकि नेचर लवर हैं जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम जैसे ही उनका घर का मेन डोर खुलता है तो आप सीधे एक सीढ़ी देखेंगे जो कि वुडन है, और वो सीधा बेडरूम तक जाती है, बेडरूम और उनका वार्डरोब और जो सारी चीज़ें हैं। और ठीक सीढ़ी के यहाँ पर किचन है, नीचे डाइनिंग हॉल है जहाँ पर एक वुडन टेबल लगाया गया है, और ऊपर जाकर फिर ऊपर अटैच ओपन बालकनी है। बालकनी के ऊपर अगर बात करें तो ओपन टेरेस है। तो फुल ऑन जॉन अब्राहम जी एकदम रॉक एंड रोल तरीके से जीते हैं। और हाँ, इनका प्राइवेट जिम भी है गाइस। अगर आपको बता दूँ कि फिटनेस फ्रीक हैं जॉन अब्राहम, उन्हीं के घर में ही एक जिम सेक्शन है जहाँ पर खुला समुद्र है, तो समुद्र की ठंडी ठंडी हवा वो खाते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं। जॉन अब्राहम जो हैं उनका जो बचपन है वो बैंड्रा में ही गुजरा है। जी हाँ दोस्तों, बैंड्रा में ही उनका बचपन गुजरा है। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल जो है बैंड्रा का, वहाँ पर इनकी पढ़ाई हुई है। और आपको यकीन नहीं होगा कि ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और अपने उदय चोपड़ा जैसे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जो स्टार किड्स हैं, इनकी भी परवरिश यहीं हुई है और सेम स्कूल में थे, यानी स्कॉटिश स्कूल में थे दोनों सब लोग, और जॉन अब्राहम के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। अच्छा गाइस, आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया कि जॉन अब्राहम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये वो ऐसा वैसा, फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ इनके फिटनेस सेंटर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में जॉन अब्राहम जी के पास कार्स कितनी हैं, कितनी बाइक हैं, तो आपको बता दूं इनके पास है ऑडी Q7, यामाहा आर एंड मारुति जिप्सी है इनके पास, लम्बोर्गिनी है, गलेरडो LP 5502 है दोस्तों, और बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स भी हैं। सो एज पर माई प्रोमिस, आपको मैंने जॉन अब्राहम जी के घर के दर्शन करवाए। उनके बारे में छोटी छोटी जो डिटेल्स मुझे पता थी, जो बातें मुझे पता थी, आपको मैंने वो सारी बातें बताई। लेकिन मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो नहीं बताया, यानी कि जॉन अब्राहम जी के घर के ठीक आगे जो समुद्र का व्यू है, यानी कि अरेबियन सी है, वो नहीं बताया आपको। तो ये है पूरा व्यू उसका, पीछे समुद्र है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। इस पर आपको एक स्लो मोशन बना के दिखाता हूँ मैं, जो हवा चल रही है ना, आपको अच्छा लगेगा। अरेबियन सी के अमेजिंग स्पेक्टेकुलर दर्शन भी करा दिए, तो ओवर एंड ऑल जॉन अब्राहम जी का सी ग्लिम्स भी दिखा दिया मैंने। अब आप बताइए मुझे कि आप जब मुंबई आ रहे हैं तो आप लोग ये सी ग्लिम्स जाकर जॉन अब्राहम के यहाँ पर ऐसे सेल्फी यू करके लेंगे या नहीं? हाँ, सेल्फी लीजिएगा, एक याद होती है, एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मेमोरी होती है, तो उसे याद करके और सेल्फी लीजिए। और जॉन अब्राहम जी के घर के अंदर का भी व्यू आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, प्रॉमिस रहा। जब भी मेरी मुलाकात होगी उनसे तो रिक्वेस्ट करूँगा, उनका इंटरव्यू लूँगा तब भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है बॉस। अच्छा, इसी बात पर कमेंट कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, तो बहुत अच्छा होगा। तो नीचे जाइए, YouTube ने जो फैसिलिटी दी है कमेंट सेक्शन की, कमेंट कीजिए। और इसी तरीके के अलग अलग व्लॉग्स के लिए और इसी तरीके के अलग अलग वीडियोस के लिए मैं हूँ ना यार, आपका यारा, फिल्मी यारा, राहुल भोज। टेक केयर बॉयज़ एंड गर्ल्स।